ओम सैनी सर, बहुत सारी एक लंबा जो है वो देश की सियासत को आपने बहुत करीब से देखा, लिखा, पढ़ा है। अभी नितिन गडकरी की ये जो चिंता है वो कितनी अहम है, क्योंकि जिस समय का मैंने जिक्र किया वो अभी बहुत ताजा ताजा मामला है, लगातार मीडिया के सुर्खियों में है। बिहार में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, झारखंड के अंदर जो कुछ हुआ, दिल्ली के अंदर जो कुछ हो रहा है, चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ जिसको लेकर के कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की, तो इतने सारे मामले, इन सारे मामलों पर नितिन गडकरी की एक बहुत हंसते मुस्कुराते हुए टिप्पणी जो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ओम सर, अभी लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के उस पर समीक्षा दी और अपनी टिप्पणियां की हैं, और उसमें फिर वही 400 का पहाड़ा बोला है उन्होंने। राज्यसभा में तो उन्होंने बड़े अहंकार के साथ में चीज़ें पेश की हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष में या सरकार में रहते हुए शत्रुता की राजनीति नहीं करती थी। मोदी जी ने उसे बिल्कुल शत्रुता की राजनीति में उतार दिया, और ये जो जिम्मेवार लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के रचनाकार जो लोग रहे हैं और जो उस वक्त के लीडर हैं और जो बुनियादी रूप से समझते हैं कि पार्टी को एक राजनीतिक दल के रूप में चलाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये ऐसा लगा कि जैसे मोदी जी जिस तेजी से बढ़ रहे हैं और जैसा लेके जा रहे हैं दल को और अपने गठबंधन को, तो वो तो बड़ा अहंकारी और तानाशाही वाला सिलसिला बनता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक विनम्रतापूर्वक प्रतिपक्ष की या सत्ता की नेता बनने की कल्पना करती थी, जिसका पहला उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में हमें देखने को मिला पार्टी की रचना के बाद में, और ऐसी उम्मीद थी। लेकिन उसके बाद में जो सारा बदला है उससे भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत लोग आहत है, और फिर ये जब ये बदलाव का सिलसिला कि हर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री बनाया जाए जो प्रधानमंत्री का या अमित शाह साहब का पसंदीदा हो, तो मुख्यमंत्रियों की ऐसी एक जमात पैदा हो गई और उनके साथ साथ में MPs की ऐसी जमात पैदा हो गई जो सवाल करने की स्थिति नहीं, कोई तर्क करने की स्थिति नहीं, जो कुछ फैसला उन्होंने सोच लिया और कर दिया उसके साथ सब हाँ में हाँ मिलाएं। गडकरी मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों में नहीं है। मैंने गडकरी जी को राजस्थान के संदर्भ में बहुत नज़दीक से देखा है, जब वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रतिपक्ष की नेता हुआ करती थी और चुनाव में हार गई थी तो प्रतिपक्ष की नेता बनी थी, और दिल्ली में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो हमारे नाम भूल रहा हूँ उनका, यूपी वाले जो गृह मंत्री रहे उस वक्त, राजनाथ सिंह जी, अब ये उम्र का असर है, नाम भूल जाता हूँ मैं भी, तो वो कोई सुन रहे होंगे तो बुरा मानेंगे कि देखो मैं इतना वरिष्ठ रहता हूँ और मेरा नाम भूल रहे हैं। तो सच में यह है कि वो उनकी बात से टकराव हुआ, वो प्रतिपक्ष के नेता पद से उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, और गडकरी जी जब आए, गडकरी जी ने आकर के जो दो चार मीठी मीठी बातें की वसुंधरा जी से, तो वसुंधरा जी तत्काल प्रतिपक्ष के नेता पद से त्यागपत्र देने को तैयार हो गई और आडवाणी जी को जाके, तो तभी से मैंने देखा कि इनकी मैनोवरिंग बड़ी जबरदस्त है। और आप जब भी आप देखिएगा कि जब ये बदलाव होने से पहले जब आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करते थे पत्रकार की हैसियत से या एक्टिविस्ट की हैसियत से, तो वो लोग जितनी सम्मान के साथ में, सहयोग के साथ में, सौहार्द के साथ में बात करते थे, अब वो सब बदल गया है। अब सबका स्वर अहंकार का हो गया है, अब सबका स्वर और चाल चलन वैसा हो गया है। तो ऐसे में गडकरी जी का ये समय उनको आ रहा है कि जो 400 का जुमला फेंका वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो 372 कितना 272 का जो आंकड़ा है वही अगर प्राप्त हो जाए, क्योंकि साउथ से कुछ नहीं मिलना वाला है, और हिंदी बेल्ट में जिस तरीके की सारा सीन बदल रहा है धीरे धीरे, आतंकित करते हैं मीडिया और गोदी मीडिया के माध्यम से और उनके जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी उसके माध्यम से, बाकी हकीकत ये है कि वो बुरी तरीके से उत्तरी भारत में और खासतौर से राहुल जहाँ यात्रा कर रहे हैं और जहाँ उनको जैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है उससे वो बहुत घबराहट में है। तो गडकरी जी जैसे नेता अपनी साख पूरी बनाए रखना चाहते हैं, और ऐसे संकट के वक्त में पार्टी को कैसे थामा जाए, पार्टी को कैसे आगे लिया जाएगा, इसके लिए उन्होंने अपने पहले वक्तव्य देना प्रारंभ किया है। नीतीश जैसे
पलटी मार जो नेता हैं जिन्होंने 9 बार इधर से उधर हो गए, उन्होंने जो अपना कर्तव्य दिखाया उसके बाद भी उनको लेना और ये सब करना उनको पसंद नहीं आया ये। और इस बहाने से उन्होंने बोलना प्रारंभ किया है कि आवाज कहाँ तक जाती है और कब तक चलती है। लेकिन ये सच है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है, वो मान रहे हैं कि 400 सीटें आएंगी नहीं, मोदी जी का लौटना संभव नहीं है। और जिस तरीके से अगर अपोजिशन में ममता जी को छोड़ दीजिए, अखिलेश जी को छोड़ दीजिए, इनकी जुबान फिसलती है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे ममता जी ने फरमा दिया 40 सीट भी नहीं आएंगी, तो वो देख नहीं रही है, क्योंकि इनको राष्ट्रीय नेता होने का गौरव हासिल नहीं रहा। जो तो राष्ट्रीय नेतृत्व कर चुके हैं, जिनको पता है कि हिंदुस्तान में नेता कैसे बनते हैं, कब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नेता हो जाती हैं, कब राजीव गांधी हो जाते हैं और कब राहुल गांधी हो जाए, कोई पता नहीं है। ऐसी स्थिति में उनका ये बोलना तो बड़ा अहंकार, और अहंकार को भारतीय जनता पसंद नहीं करती है। उस विशेष इलाके के अंदर विशेष वक्त में बोले हुए जुमले को जरूर पसंद करती है। जब सीपीएम से लड़ रही थी या कांग्रेस से लड़ रही थी उस वक्त ठीक है, लेकिन जब राष्ट्रीय मुद्दा बना है कि फासिज्म और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने का सिलसिला है, तो उसमें इस तरह की जुबान और बोलना, एक तो लीडरशिप हासिल करने के लिए आप विन करती लोगों को, वो तो किया नहीं, और इस तरह का बयान दे, तो ऐसी बातों से मुझे लग रहा है कि राहुल और मजबूत हो रहा है, ये जो न्याय यात्रा है और मजबूत हो रही है। और उत्तरी भारत में ये जो ये जितने भी 24 प्रदेश और 85 जिले हैं, इनमें जो सीटें बन रही हैं उन सीटों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, ऐसा ख्याल है। अभी ख्याल ही है, क्योंकि लेकिन वो समझ रहे हैं जो परिपक्व राजनेता हैं, जिन्होंने जमीन देखी है, जो जमीन सूंघते हैं और समझते हैं कि पानी कहाँ मिलेगा, वही हाल गडकरी जी का है। तो गडकरी जी का बयान उसी पृष्ठभूमि के साथ में सावचेत करने का रहा है, और साथ साथ में चुनौती भी है। अब उन्हें मालूम है कि ये बोलने के बाद में ये जो राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे अमित शाह साहब हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनके आक्रमण भी आएंगे, तो वो अगर आते हैं तो उनसे कैसे निपटा जाएगा। मेरा ख्याल है कि संघ की पृष्ठभूमि के रहे और नागपुर में ही सारा सब कुछ सीखा पड़ा है, तो वो इसका कैसे मुकाबला करेंगे, बड़ा रोचक दृश्य सामने आने वाला है। जी ओम सर, इसके पहले मैं एक जानकारी दे दूं, जो जिक्र कर रहे थे वीर देश पांडे सर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, सुमित्रा महाजन जी की बात कर रहे थे, वो इंदौर से जो है वो 1989 से लेकर के 14 तक लगातार सांसद रही थी, और 14 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी वाली, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उस वो उनका कार्यकाल था लोकसभा अध्यक्ष का बतौर। ओम सैनी सर, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी सियासी दल, तमाम सारे ऐसे लोग रहते हैं, तमाम ऐसे कार्यकर्ता और नेता हैं जो अपनी पूरा अपना जीवन जो है खपा देते हैं पार्टी के काम के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए। ऐसे तमाम नेताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं का दौर आपने देखा है सर। आज की जो स्थिति है, नई भाजपा, जिसको जो भाजपा की बात जब हम करते हैं, आज जो नई वाली भाजपा है, जब भी सत्ता आती है, कार्यकर्ता संघर्ष करता है, जब सत्ता आती है तो सत्ता में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम जो मंत्री हैं वो उन सारे पदों पर बैठाए वो जाते हैं जो पैराशूट प्रोजेक्ट वाले लोग होते हैं, यानी जो दूसरे पार्टी से भाग करके आए होते हैं, भगाए गए होते हैं, या फिर पार्टी के अपने बड़े नेताओं को गाली गलौज करके, गाली दे करके सुर्खियां बटोरते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, वो सारे लोग वहां पर बैठ जाते हैं। आज जो नितिन गडकरी ने सवाल उठाया है, क्या ये सवाल उनका दर्द बयान करता है? दूसरी चीज है कि जिस तरीके की बात अभी विवेक सर कर रहे थे कि उनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, क्या आज के भाजपा के लिए ये बात कही जा सकती है? कोई भी नेता हो भाजपा के अंदर, सिवाय दो लोगों को छोड़ करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह साहब, इनके अलावा छोड़ करके क्या किसी नेता के लिए दावा किया जा सकता है कि इनको साइडलाइन नहीं किया जा सकता है, या पार्टी जब चाहे तब उनको हटा करके और दूसरे को महत्व नहीं दे सकती है? नितिन गडकरी साहब को आखिर चुनाव समिति से उनको बाहर कर दिया गया, संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया पार्टी का, तो ऐसे में ये सवाल क्या, जो अभी शंका जाहिर कर रहे थे अजीत सर की, ऐसी भी खबरें आ रही उनको टिकट ना मिले, तो क्या इस संभावना से पूरी तरीके से इनकार किया जा सकता है? देखिए, अजीत जी ने एक बात कही जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि मूल्य आधारित होती है पार्टियां, ने उनकी उनकी वैचारिक समझ जो है, वैचारिक जिसको वो जिसके माध्यम से वो देश बनाना चाहती हैं, समाज बनाना चाहती हैं, वो करती हैं, लेकिन उनको हासिल करने के लिए वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स जिसे बोलते हैं वो होती है। उसको वो बरकरार थी अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहने तक, उसके बाद में वो डिटोरिएट हुआ है बड़ा तेजी से, और डिटोरिएट होकर के जो एक पार्टी खास तौर से देखी जा रही है वो है सत्ताधारी दल, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी,
और उनके सहयोगी चला रहे हैं, उसके अंदर उसका परिवर्तन अगर कुछ और होता तो कुछ नहीं था, वो लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए तो नजर आते हैं। बंच ऑफ थॉट के अनुयायी तो वो हैं, इसमें कोई शक शक नहीं, लेकिन बंच ऑफ थॉट के अनुयायी होते हुए भी विनम्रता है कि उनका एक बुनियादी चरित्र था जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ते, तो उसमें कोई ऐतराज होता नहीं। लेकिन यहाँ तो जो अहंकार का सिलसिला बन गया है और जिस अहंकार के साथ में वो अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगे हैं, उससे एक टूट का सिलसिला नजर आता है। और ये जो गडकरी जी जिस उसी धारा के हैं जिस धारा के अटल जी थे या अडवाणी जी थे एक वक्त में, या लक्ष्य में कोई चेंज नहीं है, लक्ष्य वही है, हिंदुत्व वाला प्रमुख लक्ष्य है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सबको साथ में, और ये जो जुमला है कि सबको सबका साथ और सबका विकास, वो वास्तव में उनके उसमें पॉसिबल था, उसमें वो अनुमति देते थे कि आप इतनी उदारता उनमें थी। और उसमें साथ साथ में जैसे ही आप एक कन्फ्रंटेशन होगी विभिन्न विचारधाराओं की, तो वो विचारधारा जो उसे पसंद नहीं करती वो मजबूत होकर के वो उसको डेमोक्रेटिक तरीके से परास्त भी कर सकती थी, यानी एक डेमोक्रेटिक पार्टी का एलिमेंट उनके अंदर बरकरार था। लेकिन जो मोदी जी का जो सारा सिलसिला है, इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई एलिमेंट वैसा नजर नहीं आता, यही सारे आरोप उन पे लगते हैं। और चंडीगढ़ का भी हाल ही का जो स्वरूप हमने देखा कि उनके यहाँ किस तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए क्या किया जाता है, ऐसी स्थिति में मैं ये समझता हूँ कि गडकरी जी जो कि संघ के उन लोगों में से हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा उसी में हुई है, नागपुर में रहते हुए, और वो विश्वास उनके लिए विश्वास भी है, शिवराज चौहान चुप रह सकते हैं, लेकिन गडकरी जी का चुप न रहना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सारे लोगों के जवाब, मुझे लग करीब 3-4 महीने पहले कहा जा रहा था कि जितने भी सांसद हैं जो इस वक्त सत्ताधारी दल के, उसमें से 182 सांसदों ने अपना नेता एक तरीके से गडकरी जी को बनाया, कुछ ऐसे विद्रोह जैसी शक्ल का सिलसिला भी बना था, लेकिन चूंकि वो कुछ पका पकाया नहीं और उसका कहीं कहीं से फिर नजर भी नहीं आया, तो वो बात दबी रह गई। लेकिन आज उनके बोलने से फिर लगा है कि शायद सेचुरेशन आ गया है, वो उस लेवल पर पहुंच गया कि अब बोलना बड़ा जरूरी है। तो आज हमने गडकरी जी को सुना है, कल कुछ और लोग भी हो सकते हैं। थोड़ा थोड़ा संकेत तो चौहान साहब ने भी दिया है, कुछ ऐसे बोले थे, लेकिन बाकी लोग जो खामोश बैठे हैं और जो शायद जब तक उनको सत्ता का लाभ मिलता रहेंगे रहेगा खामोश ही रहेंगे, लेकिन ये संकेत निश्चित रूप से मुझे राम मंदिर बन जाने के बाद में भागवत जी या आरएसएस कैसे क्या सोच रहा है, क्योंकि इन लोगों का आजकल कुछ खुल करके कुछ होता नहीं है, मीडिया में भी ऐसा पता नहीं लगता कि कुछ स्पष्ट रूप से बोला पढ़ा जाए समझा जाए। या तो आप नागपुर वालों के साथ में बैठो या उन लोगों के साथ में जाओ, तब कुछ समझ में आएगा, लेकिन है कुछ डेफिनेटली ऐसा जिसकी वजह से ये फाड़ तो होने जा रही है ऐसा लगता है। मैं आशावादी तो नहीं हूँ जितना मैंने कह रहा हूँ उतना, लेकिन ये तय है कि मुझे लगा कि जिस तरीके से मिसेस गांधी ने अपने आप को बनाया था एक वक्त में सिंडिकेट इंडिकेट के उस दौर के दौरान वैचारिक रूप से स्थापित किया था और गिरी साहब को राष्ट्रपति भी बना लिया था, फिर भारी बहुमत भी आया था, और उसी तरीके से जैसे 77 में बिल्कुल खामोशी से पिट पिटा करके बैठी हुई थी अपोजिशन, मीसा के अंदर से जब बाहर निकले तो किसी को पता नहीं था कि जो खड़ा होगा वो जीत लेगा, जनता पार्टी का निर्माण हुआ जिसमें काफी सारी अलग अलग शेड्स थे, उन शेड्स में भी एक एका हुआ, और जेपी की लीडरशिप में बोलिए आपकी वो चीजें, वामपंथी भी आ गए, दक्षिणपंथी भी आ गए, मध्यम मार्ग भी आ गए, सारे मिल गए और सब कर लिया। तो वैसा ही सिचुएशन मुझे यूं लगता है जब मैं राहुल गांधी की यात्रा देखता हूँ और उसके साथ में जन सैलाब देखता हूँ, तो लोगों के सामने जो एक समस्या बनी हुई कि क्या है, हम क्या भुगत रहे हैं, हमारे प्रदेश में क्या भुगत रहे हैं, जो 14 प्रदेश हैं जिनमें ये जाएंगे और जहां से ये सारा सिलसिला बन रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें 355 लोकसभा की सीटें आती हैं और 355 में से कांग्रेस के पास में सिर्फ 14 आती हैं। मुझे ममता जी का वो बयान याद आ रहा है, 314 सिर्फ 14 है, उन 14 में से अगर वो कहीं 140 इधर हो गई, इस के पास में तो सिचुएशन कैसी बदलती है इसका कोई पता नहीं है। और वैसा लग रहा है आज की सभाएं जो उड़ीसा में हुई हैं, मैं देख रहा हूँ कि कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब जहाँ लोग किस तरीके से आपसे बहस कर रहे हैं, चीजें समझने की चेष्टा कर रहे हैं, जयराम रमेश को जवाब देते देते थक गए, वो कन्हैया थक गए, सारे लोग थक गए,
एक बार बता दिया, दो बार बराबर लोगों के सवाल जवाब देना पड़ेगा। इस तरह का दृश्य बना हुआ है, तो गडकरी जी का उदय होना, आज गडकरी जी को या उस उदार जो उदारवादी हिंदुत्व वाले लोग हैं, वो उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि जिस तरीके से हमारे हमारे प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी कर रहे हैं, उसका उसका उल्टा असर होने की संभावना है। और जो अहंकार की भाषा बोल रहे हैं, अब की बार 400 पार लोकसभा में भी बुलवाया उन्होंने, राज्यसभा में भी बुलवाया, और राज्यसभा में जिस तरीके से खड़गे जी को क्या कहना चाहिए, जितना अपमानित करने की चेष्टा की है, उसमें और जो सहयोग दूसरे संचालकों का मिला है वो अलग बात है, लेकिन इनके इम्पैक्ट आ रहे हैं। जी